अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना काजी अब्दुल सत्तार। जी हां गाइस, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सत्तार काजी व्लॉग। जी हां, मैं इस वक्त कहां पे हूं? मैं इस वक्त मेरा गांव जी हां, मेरा अपना गांव साले खान डेर में हूं। और यहां मेरा बैक साइड में आप देख रहे हैं, मेरा बहुत ही खूबसूरत गाँव है, जहाँ आपको हर तरफ हरियाली हरियाली के अलावा पानी पानी नज़र आएगा। हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि हमारा ये जो गांव है, प्यारा सा गांव, बेहतरीन गांव जो है, हमारे गांव में आपको बहुत सारी सौगात मिलेगी। यहां पे आपको बहुत सारे मच्छर मिलेंगे, और यहां पे आप ये जो देख रहे हैं पानी के जो तालाब देख रहे हैं, ये कोई फिश के तालाब नहीं है। यहां पे सिम का पानी रुकता है, और यहां पे शाम का टाइम होते ही यहाँ से मच्छर पैदा हो जाते हैं, फिर मच्छर निकलना शुरू हो जाते हैं, ताकि फिर यहाँ पर इन गंदे गंदे पानी में ठहरने वाले जो मच्छर होते हैं वो बड़ी तकलीफ दे होते हैं। और शाम को अंधेरा छा जाता है तो ये मच्छर हमला करना शुरू कर देते हैं, और फिर हो सकता है हमारे यहाँ इस गांव में जितने भी है, तकरीबन 500 के करीब यहाँ मुश्तमल है हमारे ये गाँव। तो मैं आगे जाके आपको पूरे गांव का विज़िट कराऊंगा, और यहाँ पे कितनी गलियाँ हैं, कितने घर हैं, और कहाँ कहाँ पानी रुका हुआ है। तो हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा बहुत ही खूबसूरत गांव है, मेरा ज़बरदस्त गांव है, लेकिन मेरे गांव की जो हालात बिगड़े हुए हैं, मेरे गाँव को हालात का वो जो संभालने वाले जो यहाँ के मिनिस्टर हैं वैसे कहने को, तो ये हमारा गाँव हमारे अपने यहाँ के MNA साहब हैं, MPA साहब हैं, मोहतरम जनाब जाम मेहताब जेर साहब का गांव है, उसी का गांव कहलाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहां पे आपको ना बिजली मिलेगी और ना गैस मिलेगा, ना आपको रोड रास्ता मिलेगा। या आप ये जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क को बने हुए तकरीबन काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो तकरीबन ये जो सड़क है ये 2008 में ही ये जो तामीर हुई थी, तो 2008 के बाद फिर इसको कोई देखने वाला भी नहीं आया। तो ये वैसे कहने को तो हमारे मिनिस्टर का गांव कहलाता है, लेकिन इसके भाग बहुत ही ख़राब हैं, इसके जो हालात हैं बहुत ही ख़राब हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो ये तालाब भी दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कोई फिश का तालाब नहीं है। जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं, ये हमारे गाँव की जो है ना ईदगाह है। यहाँ पर हम जो है ना तकरीबन पूरा गाँव, यहाँ पर 3-4 गाँव हैं हमारे ऐसे गांव में जो है ना, अब हम ईदुल्अज़हा ईदुल्फितर जो है ना अदा करने आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेल लगाई हुई है, ये देखें ये टेल लगाई हुई है। और यहाँ पे आप यहाँ से दूर दूर तक अब ये जो माल बंदे हैं, ये जो ठहरे हुए ये माल वाले, ये जो पंखे वाले हैं, ये जानवर डंगर वाले जो हैं, ये लोग आप देख रहे हैं, ये दूर दूर से इनके घर जो हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पर, फिर इनको जो ना जानवर को छोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इनका जो है ना गोबर ही पड़ा होता है यहाँ जानवरों का। तो ये जो है इबादत गाह है, एक यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, यहाँ पे जो है हम जो है ना ईदुल्फितर और ईदुल्अज़हा अदा करने आते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गोबर पड़ा होता है, यहाँ पर गोबर पड़ा होगा, ये देखें। तो इनको कोई कहने वाला नहीं है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो आसपास में पता नहीं क्यों किन लोगों ने इनको, ये देखें ये गोबर पड़ा हुआ है, ये इसकी हदूद है, ये ईदगाह की हदूद है, यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है, ये देखें ये गोबर है, ये बिल्कुल सूख चुका है अभी देखें, कोई ये इनको कोई रोकने वाला नहीं है, या अगर इनको कोई रोकता है तो फिर ये कहते हैं कि भाई हमें जो है ना अपने गांव के बजेरे ने भी यहाँ बिठाए, आपका क्या है। तो देखें इसकी जो है ना वो दीवारें वगैरह गिरी हुई हैं बिल्कुल। ये हमारा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और उसी की ये ईदगाह है, ईदगाह का जो ये आप नक्शा देख रहे हैं, उसकी चौ तरफ से जो है ना वो पूरी की पूरी दीवारें गिरी हुई हैं, देखें। सिम का इलाका है यहाँ पे, उसके ईदगाह से साइडों में भी पानी ठहरता है, तो ये फिर दीवारें जो है ना फिर गिर जाती हैं, बनाते भी हैं, और हर नमाज में इसका चंदा भी होता है, बहुत सारा चंदा होता है, और कुछ चंदों में से जो है ना यहाँ के इमाम साहब ने ये काम भी करवाया है, ये टेल लगाई है, यहाँ तक जो है ना आधी टेल लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक गेट भी लगा हुआ था,
जो बदकिस्मती से यहाँ के जो नशाई हजरात हैं वो यहाँ से गेट उखाड़ कर ले गए हैं, यहाँ से भेज दिया उन्होंने। ये देखें, आइए हम यहाँ के जो है ना गांव के जो लड़के हैं स्टूडेंट हजरात हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो डंगर वगैरह ये जानवर छोड़े जाते हैं, गाय भैंसे वगैरह छोड़ी जाती है, तो इनको रोकने वाला कोई है कि या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक, मज़े में खैरियत। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ अली, ये रोड के जो साथ है ये माल वाले ये जानवर वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इनको किसने यहाँ बिठाया है? ये बस खुद बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों आए हुए हैं ये, इसका कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो ये यहाँ पे फिर ईद नमाज अदा की जाती है यहाँ पे, इनका जो तकरीबन दोपहर के टाइम या जो है ना वो गर्मी की वजह से ये फिर जानवरों को यहाँ ईदगाह में छोड़ते हैं। आप इनको रोकते नहीं हो? हाँ भाई, रोका तो है लेकिन ये मानते नहीं है किसी की बात, बस ये अपनी करते हैं, जो भी करते हैं अपनी करते हैं। तो नाज़रीन आप देखें, ये यहाँ के गाँव के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखें ये दीवारों पे ही बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भी होते हैं लेकिन फिर भी ये जो जो है ना ये जानवर वाले जो ये माल वाले हैं पता नहीं कहाँ से हैं, हर कौम के हैं। यहाँ पर एक सवाब के नियत से यहाँ पे एक नलका भी लगाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये मुसाफिरों के लिए एक नलका भी लगाया गया है लेकिन ये नलके की आप हालत देखें तो ये बिल्कुल हालत बिगाड़ देते हैं। पूरा रश यहाँ लगा होता है, यहाँ पर नहाते भी हैं, कपड़े वगैरह भी यहाँ धोते हैं, वो काफ़ी टाइम से जो है ना इसकी हालत, ये तो आते तो हैं तो लेकिन यहाँ जो वो रास्ते में आने वाले जो मुसाफिर होते हैं उन बेचारों को तकलीफ़ होती है, वो फिर कहाँ से पानी पिए, ये बैठे हुए पूरा दिन यहाँ लेटे होते हैं यहाँ पर। हेलो जी, कितना दुकान खोली है? जी नाज़रीन ये देखें, ये सड़क है, ये हमारे गांव की तरफ जा रही है। ये सड़क देखें, पत्थर बिल्कुल उखड़ चुके हैं, यहाँ पे जो पत्थर डाले गए थे तकरीबन 2008-10 में इसकी तामीर हुई थी, तो उसके बाद फिर इसको कोई देखने नहीं आया। ये देखिए, पूरी की पूरी जो है ना ये सड़क बिगड़ी हुई है बिल्कुल। यहाँ पे तकरीबन 500 मीटर के फासले पर है, ये है हमारा गांव रेती रोड, जो उबारो से तकरीबन उबारो और ये हमारे गांव का फासला जो है वो है तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर है। ये देखें, ये हमारे गांव की मेन सड़क है, ये जो सैयदों के घर पे जा रही है, और यहाँ भी ये पानी के तालाब देखें। आपको इधर से भी साइड में लेफ्ट साइड में भी जो है ना पानी के तालाब नज़र आएंगे और राइट साइड में भी। ये हमारा खूबसूरत गांव, ये देखें पानी के तालाब।
अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरी गली जो स्कूल की तरफ जा रही है, यहाँ पे फिर पानी ठहरता था। अल्लाह की मेहरबानी से अभी जो है यहाँ पे इन्होंने फिर मिट्टी डाल दी ही है। ये जो सड़क है मेरे घर की तरफ जा रही है,